मुझे किम के बारे में बताओ। हो सके तो जाके उससे मिल लो। हाँ, मैंने दाऊद को फोन किया था लेकिन उसे बात करके मुझे तसल्ली नहीं हो रही। किम तुम्हें अपना दोस्त मानती है, तुमसे खुलकर बात करेगी। अगर तुम उसे समझा सको कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी बेहतरी के लिए किया, तू फिक्र मत कर, मैं जाऊंगा। और कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता है मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तेरी खातिर गालियां भी खा लूंगा, बचपन में भी तो खाया करते थे। थैंक यू यार जुल्फी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर यार। दोस्त तेरे जैसे ही होने चाहिए। हाँ, अपना ख्याल कर। जी आपने बुलाया? हाँ, बैठो बेटा। जी अब्बा जी। दाऊद बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम कनीस फातिमा को बाजार ले जाओ और जो चीजें वो चाहती है उसको दिलवाओ। हाँ, कौन सी चीज है अब्बा जी? अरे भाई भाई, सेल फोन, लैपटॉप, मकसद है उसके पास नहीं है ये चीजें। कब तक तेरे मेरे फोन पे बात करती रहेगी वो? हाँ, लेकिन लेकिन क्या भाई? ये लो, ये 5 लाख रुपए। कनीस फातिमा को ले जाओ और उसको जो चीज पसंद आए अच्छी से अच्छी वो दिलवाओ। बजी, मैं उससे चीजें अपने पैसों से ले लूंगा, इसकी क्या जरूरत है? अपने पैसों से? क्या तनख्वाह है तुम्हारी मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, और कहाँ से सेविंग है तुम्हारे पास? बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ये पैसे रखो और उसे इसकी चीजें दिलवाओ। भाजी, वो मेरी बीवी है और मैं उसे अपनी हैसियत के मुताबिक चीजें ले दूंगा। हाँ ठीक ही तो कह रहे था बेटा, इतनी जल्दी उसको अपनी हैसियत से रूशनास मत कराओ, तो वो घबराता है और फिर यहां रहना ही ना चाहे। फिर कौन सा रहना चाहती है? अब मैंने कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था बजी रहने दे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो, ये पकड़ो जाओ। तरी सात पांव को बाजार लेकर जाओ, जाओ शाबाश।